To ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other book should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उन्होंने एक किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिजी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे बताएं, वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिजी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस तीन किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ और मौज़ू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक। ज़ईफ मतलब वीक, मतलब कमजोर। मौज़ू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहां तक के सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें, सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता के, सियासत्ता या कुतुबुसित्ता के, तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, इब्ने माजा और सुनन निसाई, ये चार जो किताबें हैं कुतुबुसित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है, शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहिमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और दो अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ अबू दाऊद, सही तिरमिजी, ज़ईफ तिरमिजी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ सुनन निसाई, इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है, लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिजी का, सुनन निसाई का, इब्ने माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे, लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अल्बानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है, उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के चार किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर द क्वेश्चन।